अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आज हम आपके सामने बहुत ही अच्छा नहायत और मुनफरद नुस्खा लेकर हाजिर हैं। हमारा आज का नुस्खा है माजून निस्वा, हमारी उन माओ बहनों के लिए जो के पट्ठों की शिकायत और जिस्म के तमाम कमजोरियों की शिकायत में मुब्तला हैं। ये उन औरतों के लिए, उन माओ के लिए, उन बहनों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन मस्तूरात के लिए ये बहुत ही नहायत मुजर्रब नुस्खा है, जिनको पट्ठों की थकावट, पट्ठों का खिंचाव का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये उन खवातीन के लिए जिनका दिल तेज़ धड़कता है, ये उन खवातीन के लिए जिनका जिगर काम नहीं करता है। बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने से पहले जिस्म में खून की कमी का बनना, जिस्म में खून की कमी जो रहती है वो इससे दूर हो जाएगी। ये उन खवातीन हजरात के लिए जिनको आधे सर का दर्द होता है, ये उन खवातीन के लिए जिनके कमर के पट्ठे बिल्कुल खिंचाव और तनाव का शिकार हैं, ये उन खवातीन के लिए जो बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सी जुमला अंदरूनी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं, जिसमें मसलन खून का ना बनना, जिस्म का पीला हो जाना, जिस्म का फूल जाना, जिस्म का बहुत ही ज़्यादा वजन में आ जाना और गुर्दों का नकारा हो जाना, बार बार पेशाब आना या फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती हैं। ये हमारी उन माओ बहनों के लिए जो के अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार नहीं सकती हैं, ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक और बहुत ही अच्छा नुस्खा और बहुत ही अच्छी ये माजून और बहुत ही अच्छे ये कैप्सूल ये उन बहनों के लिए, उन माओ के लिए, उन खवातीन के लिए जिनके पाँव स्वेल हो जाते हैं, जिनके पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं और जो बैठे बैठे जिनका जिस्म का एक हिस्सा स्वेल होना शुरू हो जाता है, ये उन खवातीन के लिए जो के सोते सोते उठ जाएं तो दोबारा उनको नींद नहीं आती है, जो के अंदरूनी तौर पर अंदर अंतरियां जो हैं वो खुश्की का शिकार हो जाती हैं। ये अंदरूनी तौर पर जितनी भी खुश्की है, जितनी भी प्रॉब्लम है ख्वातीन के अंदर, उसको दूर करती हैं। ये हमारी उन माओ बहनों के लिए जो के छोटे छोटे नामौलूद बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाना